नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मैंने घर का एक दीवार को मैंने ब्लैक बोर्ड बनाया हुआ है, सो देट हम लोग जितना हमारे पास टाइम अभी है हम उसको बेटर यूज कर सके। और मैं अपने जो आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं जिनको नहीं पता कि आयुर्वेद में हम लोग बिना डायग्नोसिस, बिना किसी लैब इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी उसके हम लोग देखते कैसे हैं पेशेंट को, तो आज मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 10-fold एग्जामिनेशन ऑफ द पल्स। कि पल्स को हम लोग 10 तरीके से अलग अलग कैसे देखते हैं। जैसे लोग सिर्फ देखते हैं, हम लोग जाते हैं तो वो देखते हैं कि 72 टाइम्स आपका पल्स रेट इतना आ रहा है, हार्ट रेट इतना आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पल्स की गति को देखते हैं। तो मैं उसी को आज डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से। और ये मुझे लगता है कि जो जितने भी मेरे आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल पार्ट होगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि आयुर्वेद में इतना सब कुछ है, पल्स में भी इतनी वेरिएशंस हैं जिसको हम लोग डायग्नोज अगर हम लोग ध्यान से उसको करना शुरू कर देते हैं तो हमें किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है कि ये पल्स होती क्या है, है ना। सिर्फ काउंटिंग नहीं होती कि हाँ हमारी पल्स इतनी बार रिदम हमें फील होती है तो सिर्फ वही पल्स है, नहीं। पल्स क्या होता है कि जो मैं सोच रही हूँ, एक मेरा हृदय जैसे चल रहा है उसके साथ साथ मेरा मेंटल स्टेटस क्या है, मैं कहाँ पे रह रही हूँ, मेरी उस टाइम पे दशा क्या है, मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहां का टेम्परेचर क्या है, मैं जिस घर में रह रही हूँ वहां का वातावरण कैसा है, तो ये सारी चीजें जिस हिसाब से हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर पर जैसे भी इफेक्ट करती है उसी हिसाब से हमारा कारण शरीर जो फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी की वो फंक्शन करती है। तो यहाँ पे तीन तरह का जो हमारा बॉडी का बताया जाता है कि स्थूल शरीर और उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो हमारा अंदर आत्मा जिसको हम लोग बोलते हैं और उसके बाद कारक कारण जो करता है सारी चीजों को, तो वो तीनों का जब सम्मिश्रण होता है तो वही चीज इफेक्ट करती है, उसी हिसाब से मेरे दिमाग में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, उसी हिसाब से मेरे दिमाग में सारी तरंगे पैदा होती हैं, उसी हिसाब से मेरे दिमाग में जूसेस क्रिएट होते हैं, हार्मोन सिक्रेशंस होते हैं, उसी हिसाब से फिर मेरी बॉडी का आगे से फिजिकल एक्टिविटीज और फिजियोलॉजी उसकी चलती है। तो वही सारी चीजें हम लोग पल्स में देखते हैं, उसी हिसाब से पल्स चलती है। तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी स्टडी है या नेचर है, इवन वो भी बिना डिसिप्लिन के या बिना एक पैरामीटर जिसको हमने सेट किया हुआ है उसके हिसाब से ही चलती है। तो यहाँ पे भी पल्स के लिए एक बेसिक एक बनाया हुआ चार्ट कि हाँ जी ये नॉर्मल पल्स है, इसमें ऐसी वेरिएशन होगी तो हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से पेशेंट को फिर डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपका ये है या आपकी पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजियोलॉजिकल है। यहाँ पे ये मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगी कि जो लोग बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक, तो यहाँ पे यही चीज, यही एक रीजन है क्योंकि हमारा बॉडी उसी हिसाब से वर्क करती है जिस हिसाब से हमारा दिमाग का उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, इसीलिए हमारे मेन रीजन जो हमारा ब्रेन है उसकी पार्टिसिपेशन हमारी बॉडी में ज्यादा चलती है, उसमें ही कहीं ना कहीं दोष आता है। तो इवन हमारे पैर में जाके भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो भी ब्रेन से ही रिलेटेड होती है, तो वो आप मेरी न्यूरोपैथी की वीडियोस आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ब्रेन कैसे इफेक्ट होता है। तो अभी भी जो मैं प्रॉब्लम्स लेके आऊंगी इसके बाद उसमें भी आप देखोगे कि कैसे हमारी पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सारी चीजें कैसे इंटरफेयर कर देती है। तो सबसे पहले आ जाता है कि पल्स क्या है। पल्स है कि जो थॉट्स है, माइंडसेट है, सर्कमस्टांसेस है, प्लेस है, हाउस है और क्या टाइमिंग्स है, खाने का टाइम हुआ है या खाने के बाद का, कितनी देर बाद मैं पल्स देख रही हूँ, उस हिसाब से हमारी जो पल्स है वो बदलती रहती है। तो पल्स में हम लोग देखते क्या है, सबसे पहले आ जाता है उसका टच देखते हैं। और यहाँ पे ये मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, देखने में हमें सबको लगता है कि हम लोग एक जैसे हैं, सब चल रहा है, तो जब माइन्यूटली आप वॉच करते हैं, आपने एक पल्स पकड़ी है और उसको आप फील करते हैं तो आपको पता लगने लग जाता है कि हाँ जी कितनी चेंज है। 10 लोगों की आप पल्स देखोगे तो 10 लोगों की पल्स में भी बहुत डिफरेंस होता है।
तो टच है वो हार्ड है सॉफ्ट है, कैसा हमें टच फील होता है, तो उसमें टच देखते हैं, फिर उसकी नेचर देखते हैं कि बात फील हो रही है हमें, पिक फील हो रही है उसमें या कब फील होता है, तो ये डिटेल्स मैं बाद में लूंगी। उसके बाद फोर्स, वो कितनी फोर्स के साथ हम मेरे, वो फास्ट चल रही है, धीरे चल रही है, वो फोर्स के साथ चल रही है, तो यहाँ पे फोर्स आ जाती है। वॉल्यूम, उसमें ब्लड कितना मेरी हाथों को, मेरी फिंगर्स को, कितना ब्लड मेरी फिंगर्स को टच करता है, दैट इज वॉल्यूम। उसके बाद स्थान, वो कहाँ पे मुझे फील हो रही है, किस ऑर्गन से रिलेटेड मुझे फील हो रही है, दैट इज स्थान। देन बिकम्स अ रिदम, कि वो एक पर्टिकुलर रिदम में चल रही है या बिना रिदम के चल रही है। उसके बाद उसका रेट कितनी बार वो पल्सेट कर रही है, और उसका बाद उसका करेक्टर क्या है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं कि पल्स की नेचर कैसी है। तो यहीं से हमें काफी हद तक आपकी बॉडी का पता चल जाता है कि बॉडी में हार्ट है, तो इट मीन्स आपकी बॉडी में हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही। तो उसके बाद आगे चलते हैं, ऐसे ही सारी चीजें मैं आप डिजीजेस बाद लूंगी तो आपको पता चल जाएगा पल्स से। उसके बाद जब हम लोग पल्स पे देखते हैं, उसके करेक्टर देखने के बाद कि ये सारी चीजें तो उसकी आती हैं, उसके बाद देखते हैं कि वाइटेशन, विकृति कहाँ पे हुई है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बात से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पिक से रिलेटेड है या कफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे वाइटेशन होती है कि अभी जो मुझे प्रॉब्लम है वो मुझे किस रीजन से हुई है, वो मतलब मुझे वात के प्रकोप से हुई है, ड्राइनेस है बॉडी में, अग्रेशन है, या बॉडी लिथार्जिक हो रही है, कफ का एलिमेंट ज्यादा आ रहा है, तो उसके कारण मुझे, किस कारण से मुझे बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज वाइटेशन। अभी जो मुझे प्रेजेंट मोमेंट पे है, जो हमारी प्रॉपर, जो हमारी बचपन की नेचर है या हमारी जो ओरिजिनल नेचर है, वो हम लोग जाके सेवंथ लेवल पे देख सकते हैं, बाकी सारी चीजें देखने के बाद, क्योंकि वो सबसाइड हो जाती है। उसके बाद हमारी विकृति ऊपर आ जाती है, हमारी प्रकृति नीचे चली जाती है। उसके बाद आ जाता है कि फिजिकल, हमें वात पित्त कफ में से इसके जो पांच पांच दोष होते हैं उनमें से कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और मेंटली हमारी जो प्रकृति है वो सात्विक है, हम लोग सात्विक हैं, हम लोग राजसी हैं, नॉनवेज वगैरह लेते हैं, या फिर हम लोग तामसिक हैं, जब बहुत ही ज्यादा स्लो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत लोग स्लो होते हैं और बहुत सुस्त होते हैं, है ना। उसके बाद आ जाता है कि वही, उसके बाद सेकंड लेवल पे हम लोग जाके देखते हैं कि आपके ऑर्गन्स कौन कौन से इफेक्टेड हैं। तो ये सारे आपके सेकंड नंबर पे आ जाते हैं कि हमें ऑर्गन्स का पता लगता है कि आपका ये ऑर्गन इफेक्टेड आ रहा है, तो वो भी हमें पल्स में हमारे पर्टिकुलर प्लेसेस बताई हुई है कि ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आती है, कि यहाँ पे अगर आपको पल्स फील हो रही है तो ये ऑर्गन इफेक्टेड है, यहाँ पे हो रही है तो ये ऑर्गन इफेक्टेड है। उसके बाद आ जाती है कि आपकी साइकिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप मेंटली कैसे सोचते हो और वो कहां तक आपका इफेक्ट हुआ होगा। तो ये आ जाता है प्राण, तेज और ओज, ये तीन लेवल्स आ जाते हैं। प्राण में आ जाता है कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन हमारी अंदर जा रही है वो प्रॉपर नहीं जा रही, तो हमें प्राण लेवल पे पता लगता है। अगर हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम कहीं आ रही है तो वो तेजस लेवल पे आ जाता है। और उसके बाद अगर हमारा ओज, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन धातु की नहीं प्रॉपर हो रही, तो इट मींस ओज फॉर्मेशन, जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, जो इसको हम इम्यूनिटी कह देते हैं, तो वो ओजस लेवल आ जाता है कि हाँ हमारा ओजस लेवल इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद फोर्थ लेवल आ जाता है हमारा इमोशनल लेवल। इमोशनल लेवल पे क्या हो जाता है कि हमारी नेचर को भी एलिमेंट्स के साथ जोड़ा गया है और डायरेक्शंस के साथ जोड़ा गया है। तो अगर मेरी जो नेचर है वो नॉर्थ से रिलेटेड आ रही है तो मेरे अलग गुण होंगे, ईस्ट से मेरे अलग गुण होंगे, क्योंकि हर डायरेक्शन के लिए हमारे पर्टिकुलर देवी देवता हमें असाइन किए हुए हैं, तो उसी हिसाब से हमारी नेचर डिस्क्राइब होती है। तो और वो जब हम लोग पल्स देखते हैं तो वहीं से हमें पता चलता है कि आपकी नेचर कैसी है, और वो वहीं पे फील होती है हमें, उस हिसाब से हमें पता चलता है। डिटेल्स में मैं जाऊंगी तो आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि हमारे बॉडी पे और हमारे पल्स पे प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस कैसे पता चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी, जब हम लोग इमोशनल लेवल की बात करते हैं तो वहां पे हमें ये भी पता चलता है कि इस टाइम में ये गतिविधि कैसे होती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हर चीज हमारे फाइव एलिमेंट्स में आ जाती है।
तो यहाँ पे भी हमें क्या चेंजेस हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में, वो सारी चीजें हम लोग, प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस आपकी पल्स पे क्या दिखाता है वो उसके सारे पैरामीटर्स हैं, और हम उसी हिसाब से देखते हैं कि आपकी बॉडी पे इस टाइम किस चीज का इफेक्ट आ रहा है और आपका कौन सा चक्र डिस्टर्ब हो रहा है, और आपकी जो फाइव एलिमेंट से रिलेटेड आप कौन सी डायरेक्शन में ज्यादा टाइम बिता रहे हो उस हिसाब से आपकी नेचर हो जाती है, और उसको भी हम लोग यहाँ पे आपकी पल्स देख के पता कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी, फिर उस ये चक्र इन्फ्लुएंस के बाद हम लोग देखते हैं आपकी जो ओरिजिनल नेचर क्या है, वो सेवेंथ लेवल पे हमें जाके देखती है कि आपकी ओरिजिनल नेचर क्या है, और क्योंकि वो इतनी सबसाइड हो जाती है बाकी सारी चीजों के इन्फ्लुएंस से। फिर आ जाती है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, आप कितने सॉलिड हैं, आप कितने स्ट्रांग हैं, स्टाउट हैं, और फिर आपकी अडेप्टेबिलिटी कितनी है, आप खुद को कितना अडेप्ट कर लेते हैं चेंजेस से, एनवायरमेंट से, तो आप कितना खुद को फ्लेक्सिबल करते हैं मेंटली एज वेल एज फिजिकली। उसके बाद आ जाता है कि आपकी बॉडी की कॉम्पैक्टनेस कितनी है, कितना कॉम्पैक्ट है आपका शरीर, आपके वेट और हाइट के हिसाब से ठीक ठाक है या आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। उसके बाद आ जाता है आपकी जनरल स्टेचर क्या है, आप कैसे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, छोटे हैं, और वहां पे उसमें आ जाता है आपको भूख कितनी लगती है, आप कितना आपका आपको डाइजेशन कैसी है, आपका इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, स्लो होता है, वो सारी चीजें हमारी जनरल स्टेचर में आ जाती हैं। उसके बाद आ जाती है कि हमारी एज क्या है, हमारा एज इस टाइम पे हमारी एज ये है, तो एज से रिलेटेड भी एक होता है कि बाल्यावस्था में हमारा कफ का डोमिनेंस होता है, युवावस्था में हमारी पित्त की डोमिनेंस होती है, जैसे जैसे हम लोग बुजुर्ग होते हैं तो हमारी वात की डोमिनेंस ज्यादा होती जाती है। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें को हम लोग एक जो बेसिक होता है उसके साथ जब मैच करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक चेंजेस में आ गई है। तो ये इस हिसाब से हम लोग पल्स को देखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द टेन फोल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, दशविध परीक्षा। इसके साथ साथ वो एक और परीक्षा हम लोग जो करते हैं वो होती है त्रिविध परीक्षा, कि हम लोग आपको देखते हैं, फिर स्पर्श करते हैं, फिर आपसे प्रश्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड दर्शन स्पर्शन एंड प्रश्न, कि मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आपको क्या दिक्कतें हैं। वैसे तो अदरवाइज हमें यहाँ से आपकी सारी चीजें, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ का हमें यहीं से ज्ञान हो जाता है, बिकॉज हम लोग आपके सूक्ष्म से भी कारक शरीर तक हम आपको रीड कर सकते हैं इन सारी चीजों से। तो ये मतलब बिना किसी पैथोलॉजिकल टेस्ट से हम लोग आपकी बॉडी को ऐसे जान पाते हैं। तो बाकी प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग इसको कैसे लेते हैं वो मैं आपको डिस्कस करती रहूँगी आगे आने वाले चैप्टर्स में। सो कीप ऑन वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।